बड़े अफसोस की बात है कि नाम है इत्तेहादी मुस्लिमीन और मुसलमानों में तफरका डालने की जो कोशिश की गई वो सबके सामने खुद के काम बताकर खुद की काबिलियत की बुनियाद पर वोट ना मांगते हुए हैदराबाद से आए हुए दो भाइयों के नाम पर वोट मांगी जा रही है। इनकी पार्टी का इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप बताइए कि मालेगांव शहर में सेंडर हल्के में जो उम्मीदवार खड़ा है वो मुसलमान है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी की तरफ कौन सा है इत्तेहाद के मुसलमानों की बात करते हैं? इनको अंदर हिम्मत होगी, इनको अगर मुसलमानों का इतना ख्याल था तो मालेगांव आउटर से असेंबली के उम्मीदवार खड़ा करते तो हम भी शायद उनके साथ होते। यहाँ वो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी का जो मुसलमान है और ऐसा उम्मीदवार जो 5 साल असेंबली में चिल्लाया है, बोला है जुर्म अदालती खड़ा, तुम क्या किए? तुम तो घूंगे कौन थे और ऐसे थे कि तुमने कहा, कई दफा कहा कि असेंबली हाउस जाना तफरीका के तौर पर, आज वहीं जाने के लिए आप तड़प रहे हो। पूरी कोशिश कर डाला इन्होंने कल के जलसा कामयाब होने की, लेकिन जलसा खत्म होने के बाद लोग ये बोलते थे कि हम तो अवेशी को देखने और सुनने आए और इनमें यही कहते हैं कि अगर अवेशी सरकार प्रावधान की बात लोग सुनकर वोट देते तो एजाज बेग को मारने वाला महासभा में नहीं होता कहीं और। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करने आया हूँ 21 अप्रैल को होने वाले, 21 अक्टूबर को होने वाले असेंबली चुनाव में आप कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, मुताहरिक उम्मीदवार शेख आसिफ साहब जिनका निशान पंजा है, उस पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें भारी अच्छे से कामयाब किया। मसला ये है कि आज का जो मुकाबला है शेख आसिफ साहब नुमाइंदगी करने वाले हैं मालेगांव शहर की असेंबली हाउस, बुलाया जा रहा है पार्लियामेंट के लेवल के असदुद्दीन साहब और आप पूरी तकरीब के अंदर संजीदा नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आपने महसूस किया होगा कि शेख आसिफ का एक जगह भी नाम नहीं लिया। शेख आसिफ साहब असेंबली हाउस में वारिस पठान, इम्तियाज जली और कांग्रेस के अमीन पटेल वगैरह की चौपत के अंदर आस पास में बैठा करते थे। असदुद्दीन ओवैसी कौमी लीडर है, पार्लियामेंट के अंदर जो उनका तोती बोलता है, मालेगांव शहर में आकर शेख आसिफ की कारकर्दगी ने असेंबली हाउस की रिपोर्ट ने शेख आसिफ के नाम से एमएलए के नाम से उन्होंने एक नुक्ता भी नहीं लगाया, आपने महसूस किया कि नहीं? रह गया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब फिर से कोशिश कर रहे हैं कि 10वीं पास कर लें। भैया पूरी दुनिया जानती है कि 10वीं के अंदर जो फेल होता है तो उसकी पासिंग मार्क्स के करीब करीब अगर वो रहता है तो उसको तरक्की दी जाती है। ये मुझे अच्छी तरीके से समझते हैं, सारी दुनिया को समझता है, पूरे आलम को समझता है, बच्चे बच्चे को समझता है। शेख आसिफ साहब का रिजल्ट 94% है और हमारे साबिक आमदार का रिजल्ट जो है वो 0% है। उनको तरक्की देना चाहे भी तो फॉर्म से मैं अपील करना चाहता हूँ कि उनको तरक्की दी कैसे जाए और उनको जो है कैसे असेंबली
मेरा ये बोलना है, अब एक मुख्तसर सी बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। तीसरा माल बनाने वाले यहाँ पर मौजूद है, ये बंदा खुद भी मौजूद है। 27 सीट चुन कर आई और एक सीट जो है समक्षेर ने जिसको हमने समर्थन किया था। चलो भाई सीट चुन कर आ गए, अब क्या करना। तो भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इतिहास और तारीख, तारीख से अगर वाकफियत होगी तो फैसला करने में आसानी होगी। शिवसेना से इन्होंने इतिहास किया। यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। शिवसेना से इन्होंने इतिहास किया। इतिहास करने के बाद क्या हुआ मालूम है आपको? मेरा नाम सलीम अफसर, यहाँ बैठे होंगे तो उनका नाम अतीक महिंद्रा, हम लोग सब मिलकर शिवसेना पार्टी ठाकरे साहब ने अपने नुमाइंदों को भेजकर शिवसेना के साथ हमने जो है इतिहास किया। से चले आए सिद्दीकी बाबा साहब, कपिल पाटिल। अरे क्या हुआ? अरे नहीं, प्रोग्राम चेंज हुआ, प्रोग्राम चेंज हो गया। दिन पहले से लोगों ने आज से नहीं, उनकी नेचर उनकी फितरत के अंदर है, वो बदलते रहते हैं, इधर से उधर जो है डावन डोल होते रहते हैं। धार्मिक जीवन के अंदर एक बार अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। दारुण देवबंद ने मौलाना असद मदनी साहब के खिलाफ में थे जब वहाँ पर हंगामा हुआ। मालेगांव शहर में आए तो जमीयत उलमा की जो है उसको सदारत देने की, फिर उन्होंने जो है फिर छोड़ा। ये तारीख है तो ये हमेशा छोड़ा बदलते रहेंगे। ये कभी कांग्रेस ने, कभी जो है तीसरे बार में, कभी विनय को देव नांगड़ वाली पार्टी नहीं। ये आदमी किस किस्म का है, कैसे क्या इसका दिमाग चलता है, कहाँ चलता है? उनका दिमाग मेरे ख्याल से एक ही यानी चलता है ऐसा। इसके लिए उन्होंने न दाएं समझ में आता है, न बाएं समझ में आता है। अभी ठीक है, शरद पवार को उन्होंने कहा कि भाई चढ़ा पा, बीजेपी की बी पार्टी। अरे अभी कितना दिन हुआ भैया बोले, ये है क्या? 3 महीना हुआ, 3-3 महीने के अंदर जो है असेंबली हाउस में पहुंचना है और वहां पर 5 साल लगाना है आपको। 2-2, 3-3 महीने में ऐसे पार्टी बचने चलेगा? दोस्तों बुजुर्गों, बहुत संजीदा मैटर है कि हमारे एमएलए ने 5 साल के अंदर 75 स्पीड असेंबली हाउस के अंदर दी है, 94% उनकी हाजिरी है। तो हम जब कौन होता है इनको नापास करने वाला, इन्हीं को आगे बढ़ाओ और इन्हीं को मौका दो और डेवलपमेंट है। जरा आमिर सरदार साहब क्रिकेट पर तशरीफ फरमा, सरदार साहब बना और पूरे शहर से तशरीफ लाए थे मोस्टर वोटर। मैं कोई मुकालिम नहीं हूँ, लेकिन 2 मिनट अपनी बात, 1 मिनट बात होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आसिफ साहब के एमएलए बनने के बाद कई असेंबली अजलास में शरीक रहा हूँ, उनकी कार्रवाई में देखा हूँ। एक ही दिन में 3-3, 4-4 घंटे वो असेंबली हाउस की कार्रवाई में शरीक रहे हैं और कार्रवाई से निकलने के बाद, असेंबली हाउस से निकलने के बाद मुसलसल वो मंत्रालयों के ऑफिसों में और डिपार्टमेंट में फाइल को दौड़ाकर भी देखा है। और उसके बाद के मुकाबले जो हमारे सामने के मुकाबले में है, हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब काश्मीर मध्य जिला वाली, उन्होंने पूरे 5 साल में 1 घंटा 35 मिनट असेंबली की कार्रवाई में शरीक रहे। ये उनके उन्होंने इंसाफ किया है कि हमारे गांव शहर के साथ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मुंबई शहर में एक असेंबली अजलास के मौके पर साहब से मैंने पूछा कि आप सुबह शाम और यहाँ पर असेंबली में रहते हो, उसके बाद शहर में आने के बाद लोगों की मौत में
शादी दिया, लोगों के ना खत्म होने वाले मसाइल में लगे हुए रहते हो, तो आप अपनी फैमिली को और अपने अपने बीवी बच्चों को वक्त कब दे रहे हो? तो पता है साहब ने क्या जवाब दिए थे? साहब ने तालगी जुड़ा था कि ये पूरा शहर मेरी फैमिली है, ये पूरा शहर मेरी शहर के लिए अपने आप को वक्त कर चुका हूँ। ये जज्बात है हमारे रहनुमा के, और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि किसी शख्स के बारे में अगर राइट टाइम करना हो तो उसके साथ सफर कर लो या फिर कोई मामला कर लो। मैंने आसिफ साहब को इंतहाई दीनदार, नेक, ईमानदार पाया है। बस इतना ही है कि आले में दीन नहीं है, हाफिज कुरान नहीं है, वरना एक बेहतरीन मुसलमान है। अच्छी बात शॉर्ट करते हुए मैं खास बातें कहना चाहूंगा कि आज से 5 साल पहले हैदराबाद से अकबरुद्दीन अवैसी साहब वाले लोग तशरीफ लाए थे। उन्होंने इस शहर से एक बहुत बड़ा वादा किया था कि जब हमारा उम्मीदवार चुनकर आए या ना आए, लेकिन इस शहर में मैं बड़ा हॉस्पिटल दूंगा और इस शहर में मैं एक उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और कौन कौन सा मीडियम है पता नहीं वो बनाऊंगा। आज तक वो कोई स्कूल बने नहीं है। बहरहाल आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये मेरा अपना मोहल्ला है, ये बहुत सूट बूट रखने वालों का मोहल्ला है। इस वार्ड से मैं 2017 में कारपोरेशन में उम्मीदवारी किया था। बहरहाल आवाम ने मुझे 4600 कीमती वोटें दिए थी, लेकिन मैं नतीजा पे आवाज दिया हूँ कि आवाम ने मुझे नकार दिया, मुझे आवाम ने पसंद नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा कभी उम्मीदवारी नहीं करूंगा। ये मैंने तैयार कर लिया। जब मैं जैसा छोटा इनपुट रखने वाला, छोटी सूट बूट रखने वाला आदमी ये तैयार कर लिया कि आवाम ने मुझे नकार दिया, मैं आवाम के खाने दोबारा नहीं जाऊंगा, तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी मध्य जिला लाली ये बार बार ये जिद क्यों लगा रहे हैं कि मुझे फिर से मेला बनाया जाए? जबकि आवाम ने इन्हें नकार दिया है, इन्हें घर पहुंचा दिया है। मेरी बहुत ही आजिजाना, बहुत ही रिस्पेक्ट उनकी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मिली समाजी दीनी खिदमत अंजाम देते रहे और सियासत के लिए हमारे पास एक बेहतरीन रहनुमा, बेहतरीन कायद हमारे पास मौजूद है, जो इस बात का लायक है कि उसे पहुंचाया जाए असेंबली हाउस में, ताकि शहरी की तामीर तरक्की में चालू है ये रुक न जाए, शहरी तामीर तरक्की रुक न जाए, इसकी रफ्तार धीमी न पड़े। इसके लिए मैं चाहूंगा कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे ये मान सम्मान दिया, ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरा अपना मोहल्ला है, मुझे जिस तरह 4600 वोट है एक बहुत दिग्गज नेता के सामने, एजाज बेग साहब के सामने दिए थे, उससे ज्यादा तादाद में हमारे रहनुमा जनाब आसिफ शेख साहब को दे, ये मुझसे ज्यादा लायक, काबिल और बहुत ज्यादा काबिल शख्स है। ऐसा ना हो कि आप पछताए। उम्मीद है कि मेरे अपने लोग मेरी बात नहीं काटेंगे इंशाल्लाह, और गौर से गौर करेंगे मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम।